A piston and cylinder machine containing a fluid system has a steering device in the cylinder. The piston is frictionless and it is held down against the fluid due to the atmospheric pressure of 101.325 to 5 kilopascal. The steering device is turned 10,000 revolution with an average torque against the fluid of. 1.275 0.6 0.8 नेटवर्क ट्रांसफर फॉर द सिस्टम देखो मुझे कह रहा है कि नेटवर्क ट्रांसफर फॉर सिस्टम देखो एक पिस्टन सिलेंडर एक पिस्टन सिलेंडर मशीन है पिस्टन सिलेंडर मशीन है जिसको हमने इसमें जो फ्लूड है इस फ्लूड को हमने सिस्टम कंसिडर किया तो इस फ्लूड में जो आपका स्टेयरिंग डिवाइस है जो कि स्टेयरिंग डिवाइस जो है वह इसमें क्या कर रहा है फ्लूड में वर्क ट्रांसफर कर रहा है वर्क ट्रांसफर कर रहा है जिसके कारण जो होता है फ्लूड्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे रहा है जिसके कारण जब इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे रहा है और उसके प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है जिसके कारण वह भी क्या कर रहा है इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है प्रेशर अप्लाइड कर रहा है जिसके कारण पिस्टन भी फॉरवर्ड आगे तरह मूव कर रहा है तो मुझे कह रहा है कि नेट वर्क ट्रांसफर बताओ इस सिस्टम के लिए फ्लूड सिस्टम के लिए और हमारा जो स्टेयरिंग डिवाइस कितना बार रिवोल्यूशन किया है टेन थाउजेंड रिवोल्यूशन किया है ठीक है तो मुझे सिस्टम कंसिडर किया है फ्लूड को इसी फ्लूड को हमारे सिस्टम का ठीक है इसी फ्लूड को तो जो इसमें जो था, इस था नेट ट्रांसफर कितना होगा तो देखो इसमें तो आपका एक वर्क ट्रांसफर डब्लू ट्रांसफर कर रहा है वर्क सिस्टम हो रहा और सिस्टम के द्वारा W2 टू वर्क ट्रांसफर कर रहा था तो कितना ट्रांसफर होगा तो देखो एक डब्लू वन नेटवर्क ट्रांसफर देखो नेट नेटवर्क ट्रांसफर नेटवर्क ट्रांसफर एक तो आपका स्टेयरिंग डिवाइस है स्टेयरिंग डिवाइस के द्वारा यह सिस्टम कितना वर्क ट्रांस डब्ल्यू वन तो डब्ल्यू वन तो इस सिस्टम में सिस्टम पे वर्क हो रहा है मतलब इस सिस्टम पे या सिस्टम में वर्क कर रहा है तो मीन इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे ठीक है और जो होता है सिस्टम जो है इस पिस्टन पे वर्क मतलब बाई सिस्टम वर्क हो रहा है सिस्टम के द्वारा अगर वर्क होता है तो उससे हम क्या करते हैं पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ठीक है सिस्टम पॉजिटिव तो ये डब्ल्यू टू सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो देखो डब्ल्यू वन जोता है आपका स्टेयरिंग वर्क प्लस पी डीबी वर्क होता है बाई फ्लूट्स के द्वारा तो आपका पिस्टन वर्क कितना हो गया जो जो आपका है जो है वर्क कितना हो गया स्टेयरिंग वर्क का फॉर्मूला आपका होता है टू पाई एन टी होता है ओके और जो पिस्टन जो डिस्प्लेस हुआ है तो इसके द्वारा होता है आपका प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम प्रेशर जो था चेंज इन वॉल्यूम

प्लस प्रेशर तो ये जो है किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर तो आपको यहाँ पर लिखा टू एटमोस्फेयरिक प्रेशर ऑफ इतना प्रेशर इज कल टू वन जीरो टू फाइव इन टू चेंज इन वॉल्यूम देखो पिस्टन इनिशियली पहले हमारा पिस्टन जो था यहां पर था उसके बाद जैसे ही हमारा स्टेरिंग डिवाइस इसमें वर्क ट्रांसफर किया तो इसकी प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जिसके कारण जो था पिस्टन पे यह जो फ्लूड जो था जो प्रेशर और फोर्स इस पर अप्लाइड किया जिसके पिस्टन जो था उसका फाइनल पोजिशन यह हो गया यह फाइनल पोजिशन हो गया तो यहाँ पे तो देखो प्रेशर जो था आपका लिख लिया अब चेंज इन वॉल्यूम तो चेंज इन वॉल्यूम जो था आपका इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम आपका यही नहीं होगा तो इस वॉल्यूम को निकालने के लिए इस चेंज इन वॉल्यूम को निकालने के लिए पिस्टन की एरिया और पिस्टन कितना डिस्प्लेस किया है यह पिस्टन के एरिया आपको निकाल लेना डी स्क्वायर से और इसके डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारा हाइट निकाल मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमारा यह पोर्सन अगर हम यह पोर्सन निकाल लेते हैं तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है तो वही जो था प्रेशर इंटू वॉल्यूम एरिया एरिया अगर सबसे पहले पिस्टन की एरिया पिस्टन की एरिया को हम पहले कैलकुलेट कर ले पिस्टन के एरिया क्या होता है पाई बाई फोर इनटू डी स्क्वायर तो इसका डी कितना है आपका जीरो पॉइंट सिक्स है जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर इंटू जो है. है इसकी कितना हाइट मतलब कितना जा रहा है जीरो पॉइंट एट जा रहा है ठीक है देखो यह तो आपका दिया है किलो न्यूटन में आपका यहाँ पर पा किलो पासकलो थ्री टू फाइव किलो पासक और यह आपका है क्या चीज में यह आपका जो है कि जो न्यूटन में है क्योंकि आपका जो था है टॉर्क दिया था आपका न्यूटन मीटर में न्यूटन मीटर में।, में तो इसको हम किलो न्यूटन में करने के लिए टेन पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है जब इन दोनों डाटा को सॉल्व करेंगे तो अगर हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 80 आता है नेगेटिव ऑफ 80 किलो जूल आएगा और इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा प्लस ट्वेंटी आएगा जब पूरा को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो था नगेटिव ऑफ फिफ्टी सेवन पॉइंट वन वन जोता है यह हमारा नेट वर्क ट्रांस मतलब जो था वर्क जो था सिस्टम पर हुआ है नेट वर्क जो था सिस्टम सिस्टम के द्वारा नेटवर्क ट्रांसफर नहीं हुआ है सिस्टम पे हमारा नेटवर्क हुआ है तो ये इसलिए हमें दिखाता है नेगेटिव से क्योंकि सिस्टम पे वर्क हुआ इतना